370 और तुम्हारे घर का 340, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी बिल बना के भेजी हूँ। नहीं नहीं, पूरे 30 रुपए का फर्क है बेला, हमारे यहाँ तो टीवी भी नहीं है। कहीं तुम्हारे किसी ने तार बार तो नहीं डाली है? हाँ है भाभी जी, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने चोरी की है जो हम पर शक कर रही हैं आप? अरे वाह, ये आनंद भैया तो बहुत भले इंसान है। हाँ वो तो है। हाँ लेकिन तू जो अपने मायके से सीख कर आई है ना, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए, तो तू झूठ भी बोल सकती है और छुपा भी सकती है। सच में भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ये जो नैना मेरी परवरिश है। हाँ नैना, कैसी रही तेरी पार्टी? इसका क्या मतलब है कैसी रही पार्टी? ओ भाई, पार्टी तो तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छी ही होती है, खाओ पियो नाचो गाओ। वो देखो चित्रहार में गई, गाना गा रही होगी फूहड़ जैसे, है क्या? तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले। सच में भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, ये जो नैना इतनी अच्छी है ना, वो मेरी परवरिश है। हाँ नैना, कैसे रही तेरी पार्टी? ओ भाई, पूछने की क्या जरूरत है कैसी रही पार्टी? पार्टी तो तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छी ही होती है, खाना पीना गाना नाचना और वधार में। है गाया होगा कोई फुहड़ सा गाना क्या? तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तू याद आने लगा है ना? अरे वाह भाभी जी, मतलब घर में घूमते फिरते गाना सुनकर भी आपको इतनी जल्दी याद हो जाता है, कमाल है। बकवास बंद कर। नैना, वहाँ पार्टी में सब लड़कियाँ ही थी ना, कोई लड़का तो नहीं था ना? अरे नैना, सुमन की घर की पार्टी में गई थी, कोई होटल में नहीं गई थी? पापा से भी झूठ ना बोला, हमारी नैना तो आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। ये भली और इसकी पढ़ाई भली, ये लड़के वड़के का चक्कर ना इसके लिए नहीं है। चल कपड़े बदल ले, हाँ जी गर्मी लग रही होगी।